इस कहानी का शीर्षक है बड़ी लकड़ी और छोटी लकड़ी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल शाही बाग में घूम रहे थे। उस दिन बहुत ही सुहावना मौसम था। बादशाह अकबर को शाही बाग में एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा दिखाई पड़ा। बादशाह अकबर के मन में एक सवाल आया। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल तुम उस लकड़ी के बड़े टुकड़े को उठाओ और इसे बिना काटे छोटा करके दिखाओ। बीरबल ने बादशाह की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराते हुए सोचा कि बादशाह अकबर मेरी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं, इसलिए बादशाह अकबर ने मुझसे पहेली वाला सवाल पूछ रहे हैं। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने शाही बाग की चारों ओर देखा। बीरबल ने शाही बाग से एक बड़ा लकड़ी को उठाया और बादशाह के द्वारा दी लकड़ी के पास रख दिया। बीरबल ने कहा, जहाँ पना देखिए, मैंने बिना बड़ी लकड़ी को काटे उस लकड़ी को छोटा कर दिया। बादशाह अकबर ने दोनों लकड़ियों को देखा। बीरबल ने उस बड़ी वाली लकड़ी के पास ही एक और बड़ी लकड़ी रख दी। बादशाह बीरबल की चतुराई को देख बहुत खुश हुए। बादशाह ने कहा, वाह बीरबल, जैसा मैंने सोचा था तुम उससे भी अधिक चतुर निकले, और मुझे पहले से पता था कि तुम इस पहेली को आसानी से हल कर लोगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सवाल चाहे जैसा भी हो, हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके सभी सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।